सो हे गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोकेमोन के डार्क सीक्रेट्स के बारे में। सो अगर इस वीडियो पर आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो वैसे तो पोकेमोन कितना अच्छा है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर किसी ने इसे देखा एंड सबको ये पसंद है। लेकिन कोई चीज कितनी भी अच्छी हो उसके डार्क साइड होते ही हैं, एंड पोकेमोन में भी कुछ ऐसा है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो एनिमे में हमने ये देखा है कि पोकेमोन अपने ट्रेनर्स से कितने क्लोज रहते हैं, एंड यहाँ तक कि पोकेमोन अपने ट्रेनर्स के फीलिंग्स को भी समझते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों होता है? तो एक थ्योरी के हिसाब से पोकेमोन वर्ल्ड के अंदर जो कुछ पोकेमोन है वो पहले एक इंसान थे, लेकिन किसी वजह से वो बाद में पोकेमोन में बदल गए। एंड इसी के रिलेटेड अगर हम एक एग्जाम्पल की बात करें तो कडाबरा, जिसकी पोकेडेक्स एंट्री में ऐसा लिखा हुआ है कि बहुत पहले एक लड़का जिसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर थी, वो एक दिन जब सुबह में उठा और अपने आप को आईने में देखा तो वो एक पोकेमोन में बदल चुका था, जो कि था कडाबरा। एंड इसी के अलावा यान मास पोकेमोन भी पहले एक ह्यूमन था, लेकिन बाद में वो भी किसी वजह से एक पोकेमोन में बदल गया, एंड वो अपने ही चेहरे का मास्क लेकर घूमता रहता है। तो पोकेमोन सीरीज के मेन प्रोटैगनिस्ट एश कैचम के डैड के बारे में हर कोई जानना चाह रहा है कि आखिर वो कौन है एंड अभी कहाँ है, लेकिन वो हमें अभी तक इस सीरीज के अंदर देखने को नहीं मिले। तो इसके रिलेटेड भी एक डार्क सीक्रेट है, एंड वो ये है कि बहुत समय पहले पोकेमोन वर्ल्ड के अंदर एक वर्ल्ड वॉर हुई थी जिसमें काफी सारे एडल्ट ट्रेनर्स ने हिस्सा लिया था, एंड उनमें एश के डैड भी थे, एंड उसी वर्ल्ड वॉर के दौरान उनकी मौत हो गई। एंड इसी के अलावा इस वॉर के बारे में हमें पोकेमोन गेम्स में भी देखने को मिलता है, जहां पर हमें वर्मिलियन सिटी का जिम लीडर एल्टी सर्ज इसके बारे में बताता है कि बहुत समय पहले वर्ल्ड वॉर के दौरान उसे इलेक्ट्रिक पोकेमोन ने बचाया था, जो कि ये इंडिकेट करती है कि पोकेमोन वर्ल्ड के अंदर वर्ल्ड वॉर हुई थी। तो अब हम जिस डार्क सीक्रेट के बारे में बात करने वाले हैं वो ये है कि पोकेमोन वर्ल्ड के अंदर वैसे तो हमने पोकेमोन को बैटल्स में या फिर अपने ट्रेनर्स के साथ ट्रेनिंग करते हुए एंड उनके जर्नी पर जाते हुए देखा है, लेकिन अगर हम एक डार्क सीक्रेट के बारे में बात करें तो पोकेमोन वर्ल्ड के अंदर पोकेमोन को खाया भी जाता है, एंड बहुत सारे एपिसोड में हमें ये देखने को मिला है, जहाँ पर एक एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि जब एश मिस्टी ब्रॉक एंड टीम रॉकेट एक साथ फंस गई थी तो उन सब के अलावा वहां पर एक मैजिक आप भी था जिसे कि खाने के बारे में एश ब्रॉक और टीम रॉकेट सोच रही थी, जो कि इनडायरेक्टली रूप से बताती कि पोकेमोन वर्ल्ड के अंदर भी पोकेमोन को खाया जाता है। एंड इतना ही नहीं, कई बार हमें पोकेमोन सीरीज के अंदर नॉनवेज फूड को खाते हुए भी दिखाया गया है। तो पोकेमोन के अंदर हमने काफी सारी बैटल्स देखी हैं, जहां पर एक दूसरे से पोकेमोन लड़ते हैं और उस बैटल को अपने ट्रेनर्स के लिए जीतते हैं। एंड जंगल में भी ऐसा ही होता है, जहां पर कुछ जंगली पोकेमोन आपस में लड़कर जंगल के राजा बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर हम इसके डार्क सीक्रेट के बारे में बात करें तो पोकेमोन एनिमे में हमें दिखाया जाता है कि जब दो पोकेमोन लड़ते हैं उनमें से कोई हार जाता है तो दूसरा वाला जीत कर वहां से चला जाता है। लेकिन पोकेमोन वर्ल्ड के अंदर कुछ पोकेमोन ऐसे भी होते हैं जो कि अपने सामने वाले अपोनेंट को बिल्कुल मार डालते हैं, एंड उन्हीं में से एक पोकेमोन है पिंसर, जिसकी पोकेडेक्स एंट्री में ऐसा लिखा हुआ है कि अगर कोई इंसान या पोकेमोन इसे डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है तो ये उसे अपने हॉर्न के बीच में दबा कर बीच से काट देता है, जो कि सुनने में काफी स्कैरी लगता है, लेकिन ये बात सच है। तो अब हम जिस आखिरी डार्क सीक्रेट के बारे में बात करने वाले हैं वो है पोकेमोन क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड। तो पोकेमोन में हमने काफी सारे क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन देखे हैं, जिनमें टीम रॉकेट, टीम प्लाज्मा और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं। लेकिन एनिमे में हमें दिखाया जाता है कि इनके विलन या तो दुनिया पर राज करने के लिए पोकेमोन का इस्तेमाल करते हैं या फिर पोकेमोन वर्ल्ड को तबाह करने के लिए। लेकिन अगर हम इसके डार्क सीक्रेट के बारे में बात करें तो ये क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन इतने में ही नहीं रुकते, बल्कि ये पोकेमोन वर्ल्ड के अंदर ऐसे से काम करते हैं जो कि हमें एनिमे में नहीं दिखाया जा सकता, क्योंकि उसे बच्चे भी देखते हैं। सो आई होप तुम सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन एंड बाय बाय।